वेलकम डियर स्टूडेंट्स वंस अगेन आवर डिजिटल इंग्लिश क्लास। डियर स्टूडेंट्स, कल हमने आपका एक डिजिटल क्लास का एक टेस्ट लिया था। काफ़ी निराशा हासिल हुई क्योंकि कुछ बच्चों ने, केवल दो से तीन बच्चों ने अच्छा परफॉर्मेंस किया, बाकी का सबका रिजल्ट मैंने वैसे अपने ग्रुप में डाल दिया है, आप लोगों ने देखा भी होगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनकी अभी भी प्रॉब्लम है हाउ टू फिल ब्लैंक्स। डियर स्टूडेंट्स, सारी फिल इन ब्लैंक्स टेंसेस पर आधारित होती हैं, ये तो आपको भी पता है क्योंकि टेंथ बोर्ड का जो अपना सिलेबस है उसमें जितनी भी फिल इन ब्लैंक्स आती हैं वो सारी आपकी टेंस के अकॉर्डिंग आती हैं। इसीलिए मैं हर प्रीवियस क्लास में आपको पहले टेंस करवाता हूँ ताकि आपकी इंग्लिश जो है वो बेटर और मजबूत बने, और हर आप चाहे वो एक्टिव पैसिव वॉइस हो, चाहे डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो, चाहे फिल इन ब्लैंक्स हो, चाहे पैसेज सॉल्यूशन हो, कॉम्प्रिहेंशन ऑफ द पैसेज, एवरीथिंग यू नो वेरी वेल। सो आई एम टीचिंग जस्ट द टेंसेज ऑलवेज इन एवरी क्लास। डियर, इसका एक ध्यान रखना है, कल बहुत सारी मैंने आपको डाली थी तो मैंने प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट सिंपल टेंस की आपको तीन बातें ध्यान में रखनी है। फर्स्ट, यूनिवर्सल ट्रूथ, सार्वभौमिक सत्य, सार्वभौमिक सत्य, सार्वभौमिक सत्य, सार्वभौमिक सत्य जो बिल्कुल सत्य होता है, जैसे हम बोल सकते हैं कि दो दो चार होते हैं, तो डियर स्टूडेंट्स आपको पता ही हैं कि दो और दो चार ही होंगे, वो कभी पांच नहीं होंगे। इसके अलावा जो सूर्य हैं वो पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाता है, तो ये भी बात सही है। तो ऐसे टेंस में प्रेजेंट सिंपल टेंस को यूज किया जाता है। दूसरी बात, दूसरी जो बात है वो है डियर स्टूडेंट, साइंटिफिक फैक्ट होना चाहिए। कोई भी वैज्ञानिक तथ्य के आधार पर बात होनी चाहिए। कोई भी, जैसे पानी 100 डिग्री पे उबलता है या और भी जो साइंस से संबंधित जो फैक्ट आते हैं उनमें हम प्रेजेंट सिंपल को यूज करते हैं। तीसरी बात, हैबिचुअल, हैबिचुअल एक्टिविटीज, जिसमें आदत बताई जाती है, आदतन, आदतन जो क्रियाविधि होती है, आदतन क्रिया, उसमें हमेशा, जैसे ही गेट्स अप अर्ली मॉर्निंग एवरी डे, वो हमेशा सुबह जल्दी उठता है। इस प्रकार से हमें विशेष ध्यान देना है, यूनिवर्सल ट्रूथ हो, साइंटिफिक फैक्ट हो, हैबिचुअल एक्टिविटीज हो। इसके अलावा आपको जो भी दिखाई दे, प्रोवर्ब, प्रोवर्ब, प्रोवर्ब जो आपको दिखाई दे, इसके अलावा इडियम्स, मुहावरे, कहावते, ये जो आपको दिखाई दे, मुहावरे, कहावते, ये जो आपको दिखाई दे, तो वहां पर डियर स्टूडेंट्स हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस को भरा जाता है। मैंने प्रीवियस वीडियो में, प्रीवियस क्लासेज में आपको बताता रहता हूँ मैं, और अभी जो कल आपका यस्टरडे जो आपका मैंने एक टेस्ट लिया था उसमें मैंने लिखा था फेवर, फेवर, फॉर्च्यून, फॉर्च्यून,
fortune favors the brave. फिर यहाँ आया था favor. डियर स्टूडेंट्स, यहाँ ध्यान से हम देखेंगे तो फॉर्चून एक भाग्य होता है, भाग्य बहादुरों का साथ देता है. तो हमें पता है कि ये एक प्रकार की लोकोक्ति है कि भाग्य हमेशा बहादुरों का साथ देता है, एक प्रोवर्ब है. तो हम यहाँ पर लिखना था आपको फेवर्स. इस प्रकार से मैंने प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में भी डाला था. प्रेजेंट कंटिन्यूअस की जो फिल इन ब्लैंक्स आती हैं उनमें विशेष ध्यान देना है आपको. नाउ एट दिस प्रेजेंट, एट दिस टाइम, नाउ एट दिस प्रेजेंट, एट दिस टाइम, और मोस्टली आपको दिखाई देंगे लुक. क्या दिखाई देगा? लुक, लिसन. इनसे जो भी सेंटेंस शुरू होते हैं, मतलब ये जो अंदर दिखाई देते हैं, ये तो फर्स्ट में आते हैं हमेशा, क्योंकि ये इम्परेटिव है, कमांड कर रहे हैं कि देखो सुनो. तो डियर स्टूडेंट्स, वहाँ पर हमें हमेशा ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, मतलब सब्जेक्ट के साथ आप हेल्पिंग वर्ब भी लगाना, जैसा इज है, एम है, आर है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आप आईएनजी लगाओगे. जैसे मैंने एक सेंटेंस दिया था, लुक बर्ड्स, फिर खाली जगह आई थी, कोष्टक में फ्लाई, फिर था इन द स्काई. डियर स्टूडेंट्स, अब हमें विशेष ध्यान यहाँ पर देना है कि लुक आया है, इसका मतलब हमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को फिलअप करना है. बर्ड्स प्लूरल में है, बहुवचन है, इसीलिए हम लोग हेल्पिंग वर्ब आर लगाएंगे, फ्लाई के साथ आईएनजी जोड़ेंगे, तो बनेगा लुक बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई. तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार से नाउ, जहाँ पे नाउ भी दिखे, एट दिस प्रेजेंट दिखे, एट दिस टाइम दिखे, लुक दिखे, लिसन दिखे, मोस्टली अकॉर्डिंग टू द बोर्ड ये इम्पोर्टेंट है और आते रहते हैं, तो आप इन्हें कंसीडर करें, मेमोराइज करें. अगली जो मैंने प्रीवियस वीडियो जो आपको बताया था, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. डियर स्टूडेंट, कोई भी काम वर्तमान में चल रहा है लेकिन भूतकाल में वो पूरा हो गया है, यानी उसकी जो अवधि है वो पहले की बताई जाती है. जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं 4 साल से पढ़ा रहा हूँ, अब 4 साल से यूँ देखो तो अवधि जो है वो भूतकाल बताती है, लेकिन मेरा काम जो है वो शुरू है. तो इसके ऊपर भी मैंने आपको कुछ फिल इन ब्लैंक्स डाली थी, लेकिन आप लोगों ने, कुछ बच्चों ने उसे सही भरा है, बाकी बहुत से स्टूडेंट्स ने उसे भी गलत कर दिया. मैंने आपको बताया था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. वर्तमान पूर्ण निरंतर काल. डियर स्टूडेंट्स, मैंने इसकी हिंदी पहचान आपको ऑलरेडी बताई थी कि इसमें से आएगा, से रहा है,
रही हैं, रहे हैं, से रहा है, रही हैं, रहे हैं। फिर मैंने आपको कहा था कि सिंगुलर सब्जेक्ट जो आपको दिखाई दे रहा है या दिखाई देगा सेंटेंस में, उसमें आपको हैज बीन लगाना है। हैज बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, प्लूरल जहां दिखाई दे। प्लूरल का मेरा मतलब क्या है? प्लूरल का मतलब फर्स्ट पर्सन एंड सेकंड पर्सन, और उसमें भी थर्ड पर्सन का दे, दे हमेशा प्लूरल में आता है। डियर स्टूडेंट्स, इसके साथ हम हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे। फिर मैंने कहा था कि जो से दिखाई देता है आपको, वो समय बताएगा। समय यानी कि सेंस और फोर लेना है। डियर, मैंने ये भी डिस्क्राइब किया था कि जो सेंस है वो हमें निश्चित समय के लिए लेना है। जो टाइम ऑफ पॉइंट है फिक्स होता है 2007, 2016, सुबह से, शाम से, दोपहर से, संडे, मंडे, जितने भी डेज नेम है, ये सब क्या है? पॉइंट ऑफ टाइम है। फोर वहाँ पर हम लोग यूज करेंगे जहाँ पर कोई समय निश्चित नहीं हो, जैसे दो दिन से। तो अब कौन से दो दिन, किस महीने के दो दिन? चार महीने से। कौन से चार महीने? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, कौन से? तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें विशेष ध्यान देना है कि सिंस जो है वो पॉइंट ऑफ टाइम है, टाइम ऑफ पॉइंट है, फोर जो है वो है ड्यूरेशन ऑफ टाइम, यानी एक अवधि बताएगा। फिर मैंने आपको ये सब डिस्क्राइब कर लिया था ऑलरेडी। मैंने जो फिलिंग्स ब्लैंक्स इसमें कैसे बनती है वो देखे, ही कोष्टक में लीव इन आर्यंत नगर सिंस 2007। अब अपने को विशेष ध्यान देना था, अगर आप शॉर्ट में भी इसे पकड़ना चाहे तो सिंस और कोई जो साल होता है, जो अपना टाइम ऑफ पॉइंट होता है, उससे भी हम पकड़ सकते हैं टैग को देखकर आराम से। फिर हम यहाँ आएंगे तो देखेंगे कि ही सिंगुलर है, तो इसका मतलब इसके साथ लगेगा हैज बिन। फिर लीव के साथ हमेशा ध्यान रखना, बहुत सी स्टूडेंट्स गलती करते हैं, ई को आईएनजी लगाते समय हट जाती है किसी भी वर्ब के पीछे। अगर ई है और हम लोग आईएनजी को लगा रहे हैं तो डियर स्टूडेंट्स आपको विशेष ध्यान रखना है, आईएनजी लगाते समय ई हट जाएगी। तो हम लोग बनाएंगे लिविंग, ही हैज बिन लिविंग इन अरियंत नगर सिंस 2007। इट्स मीन वह अरियंत नगर में 2007 से रह रहा है। ये हुआ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसकी मैंने आपको फिल इन ब्लैंक्स डाली थी। डियर स्टूडेंट्स, एक सब बच्चों ने गलत किया है, कोई दो तीन बच्चे ऐसे हैं ब्रिलियंट जिन्होंने इसको समझा है। बी वाला मैं आपको पार्ट बताता हूँ। बी जो हैं, कीप इन माइंड, अब कंटेस्ट कर लेना, बी जो हैं, बी का मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब जो सेंटेंस और टेंस के सुटेबल हो उसे भरा जाता है। डियर स्टूडेंट्स, अब मोस्टली आपको बी का मतलब मानना है ईच, एम, आर, वॉच, वर, विल, सेल, ये खास मान के चलना है बी का मतलब। बी का मतलब यही होता है।
कहीं बार बींग भी आता है, लेकिन सेंटेंस का सेंस समझकर आपको फील करना है। जैसे मैंने डाला था ही, फिर मैंने बी डाला था आवर न्यू कलेक्टर हिमांशु गुप्ता। अब अपने को पता है कि आवर न्यू कलेक्टर हिमांशु गुप्ता, जब पूरा सेंटेंस हम पढ़ेंगे, कंसीडर करेंगे, समझेंगे इसको, तो अपने आप सेंस आएगा कि वह हमारे नए कलेक्टर हिमांशु गुप्ता हैं, तो अपने आप हम लोग ईज लगाएंगे। कुछ बच्चों ने गलती की है, ईज तो लगाया है लेकिन साथ में बी वापस लगा दिया, तो ये तो ऑलरेडी गलत है, क्योंकि डियर स्टूडेंट्स आपको बी का रूप बताना है, इनमें से बी का रूप बताना है। अब सपोज अगर मैं, मान लीजिए बी में, अगर मैं मान लीजिए बी में अगर मैं आपको डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं आपको बी में यह लिख के दूं, फिल इन ब्लैंक्स में सपोज आ जाए, ध्यान देना, सी, फिर आ गया फिल इन ब्लैंक्स, फिर कोष्टक में बी आ गया, फिर आ गया सरपंच, ग्राम पंचायत, फाइव ईयर्स अगो। अब देखो इस सेंटेंस को पढ़ो डियर स्टूडेंट्स, जब हम इस सेंटेंस को पढ़ेंगे, सी फिर फिल इन ब्लैंक्स है, बी का रूप पकड़ना, ईज एम आर वॉज वर विल सेल, सरपंच अवर, ग्राम पंचायत फाइव ईयर्स अगो, अगो एडवर्ब ऑफ पास्ट इनडेफिनाइट टेंस, तो हमें पता चलेगा कि ईज एम आर तो आ नहीं सकते क्योंकि बात पास्ट की हो रही है। वह हमारी ग्राम पंचायत की 5 साल पहले सरपंच थी, सिंगुलर है वॉच। इस प्रकार से हमें बी का रूप पकड़ना है। एक मैं आपको फ्यूचर का भी एग्जांपल देता हूं, नेहा, फिर आ गया बी, डियर स्टूडेंट्स अब हम इसे पढ़ेंगे, नेहा फिल इन ब्लैंक्स दिया हुआ है, बी दिया हुआ है कम विथ मी टुमोरो, टुमोरो इंडिकेट फ्यूचर इनडेफिनाइट टेंस, आने वाला कल। अब नेहा आएगी मेरे साथ कल, नेहा कल मेरे साथ आएगी, तो बी का रूप क्या हुआ, नेहा विल, क्योंकि हमें फ्यूचर बताना है, या ईज आर एम आएगा नहीं, वॉज वर आएगा नहीं, तो विल को हम लोग फिल करेंगे। डियर स्टूडेंट्स यही बी का रूप था जो मैंने आपको प्रीवियस 9th क्लास में भी स्टडी करवाया था। अब 10th क्लास में आप विशेष विशेष ध्यान दें, क्योंकि बोर्ड क्लास है, तो बी से संबंधित जितनी भी फिल इन ब्लैंक्स आती है आपके रॉन्ग नहीं होनी चाहिए। डियर स्टूडेंट्स इसके बाद जो प्रेजेंट सिंपल
और प्रेजेंट परफेक्ट का जो मिक्स रूप आता है, जैसे डॉक्टर आने से पहले मरीज मर चुका था। देखो इसमें हम लोग जो पास्ट परफेक्ट प्लस पास्ट इनडेफिनाइट, दोनों की बात करेंगे। पास्ट परफेक्ट प्लस पास्ट इनडेफिनाइट, हैड प्लस V3 जो पास्ट परफेक्ट को बताएगा, V2 वर्ब की सेकेंड फॉर्म पास्ट इनडेफिनाइट को बताएगी। अब द पेशेंट फिर आ जाती है खाली जगह, द पेशेंट कोष्टक में आ गया डाई, बिफोर फिर आ गया डॉक्टर, फिर वापस खाली जगह आ गई। डियर स्टूडेंट्स, मैंने दो खाली जगह वाला एक सेंटेंस डाला था आपको फिल इन ब्लैंक्स के लिए। कुछ बच्चों ने मुझे कहा भी था कि मुझे दो वाली नहीं आती। कोष्टक में हम लोग लिखेंगे रिच। अब हम इस सेंटेंस को देखेंगे तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमेशा बिफोर आफ्टर से जुड़े हुए होते हैं, जो हमें विशेष ध्यान रखना है। बिफोर आफ्टर इसमें कंजेक्शन आएगा। द पेशेंट मरीज, अब सेंस अपने आप आ रहा है, डाई मिस मरना, मरीज मर चुका था, डॉक्टर रिच, डॉक्टर के पहुंचने से पहले मरीज मर चुका था। यानी हम लोग फर्स्ट वाले में लगाएंगे हैड डाइड, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर डॉक्टर, सेकेंड फॉर्म रिच्ड। क्लियर डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार से हम ऐसी खाली जगह को भरेंगे जिसमें कंजेक्शन बिफोर और आफ्टर से कनेक्ट, उसमें हेड प्लस V3 या V2, कभी कभी V2 आगे भी आ जाती है। विशेषकर जो मोस्टली जो बिफोर वाली ज़्यादा आती है 10th स्टैंडर्ड में। एक मैं आपको और तरीका बताता हूँ, जो आपको बताता हूँ, V2 प्लस वॉच वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING। जैसे ये कंजेक्शन वैन से स्टार्ट होंगे, वैन यानी जब, वैन आई कोष्टक में सी, माई मदर वॉज वॉशिंग क्लोथ्स। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ विशेष ध्यान दे, ये बोर्ड में आता रहता है ऐसी, जो वैन से स्टार्ट होती है, वैन आई क्या आएगा, माई मदर वॉज वॉचिंग क्लोथ्स। अब अपने को पता है कि पास्ट कंटिन्यूअस पीछे हैं, वैन से जुड़ा हुआ है, तो हम लोग पास्ट सिंपल लेंगे, यानी सा, वैन आई सा माई मदर वॉज वॉशिंग क्लोथ्स, जब मैंने देखा मेरी मम्मी, मेरे माता जी कपड़े धो रही थी। फिर डियर स्टूडेंट्स, एक मैंने डोंट वाला डाला था, डोंट ऐसा नहीं करते, ऐसा नहीं करे, इम्परेटिव है, डोंट स्पीक
डोंट स्पीक लाउडली माई मदर, खाली जगह आ गई, कोष्टक में स्लीप आ गया, इन द रूम आ गया। डियर स्टूडेंट्स, अब हम इस सेंटेंस को देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि डोंट से स्टार्ट है, स्पीक बोलना लाउडली जोर से, माई मदर, फिर कोष्टक में स्लीप दिया हुआ है, इन द रूम, यानी डोंट स्पीक लाउडली, जोर से मत बोलो, मेरी मम्मी कमरे में सो रही हैं। अपने आप आपको सेंस बनेगा कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। माई मदर इज स्लीपिंग, माई मदर इज स्लीपिंग इन द रूम। डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद एस वी टू ओ की मैंने आपको डाली थी, जिसमें आपको यस्टरडे, अगो, प्रीवियस, लास्ट, ये आपको दिखाई देंगे। वहाँ पर अपने को एस वी टू ओ यानी कि सेकेंड फॉर्म बननी है, सी नाइटमेयर, लास्ट नाइट, कोष्टक में आ गया सी। तो अब देखो, नाइटमेयर का मतलब होता है रात को आने वाला डरावना सपना, सी यानी उसने, एक लड़की है, फीमेल है, लास्ट नाइट का मतलब होता है पिछली रात, तो पिछली रात उसने एक डरावना सपना देखा। हम लोग सी की सेकेंड फॉर्म लगाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार से फ्यूचर के लिए टुमोरो आपको मैंने बताया हुआ है, नेक्स्ट वगैरह, तो उसमें हम लोग विल सेल को लगाएंगे। तो डरने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं थी, बहुत ही सिंपल सा ये टेस्ट था आपका, 20 मार्क्स का था, जिसमें दो तीन बच्चों ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है। तो मैं होप करता हूँ कि आने वाले समय में मैं आपका और भी जो टेस्ट लूँ उसमें आप बेटर करें। डियर, अब हम आज जो अपना टॉपिक है वो ले लेते हैं, वो हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के बाद आज अपना टॉपिक रहेगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, बूथ बूथ पूर्ण निरंतर काल। डियर स्टूडेंट, जिस प्रकार से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कोई भी काम वर्तमान में पूरा होकर वापस चल रहा है, वैसे का वैसे यहाँ पर कोई भी काम भूतकाल में पूर्ण होकर वापस चल रहा था उसको बताएंगे। तो इसकी जो हिंदी पहचान है, इसकी जो हिंदी पहचान है डियर स्टूडेंट्स, वो होगी से, सी रहा था, रही थी, और रहे थे। विशेष ध्यान देना, मैंने आपको बताया हुआ है से का मतलब होता है सिंस, फोर। अब इसमें बहुत ही अच्छी बात है, कीप इन माइंड, दोनों के साथ, दोनों सब्जेक्ट, चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल, हैड बिन लगेगा, इसका विशेष ध्यान रखें आप लोग। डियर स्टूडेंट्स, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम लोग सिंगुलर के साथ हैज बिन लगाते थे, प्लूरल के साथ हैव बिन लगाते थे, वो इसमें बिल्कुल नहीं है।
चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, दोनों के साथ अपने को हैड बिन लेना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लेना है, तो अपना जो सेंटेंस पैटर्न बनेगा वो बनेगा, सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट लेंगे, डियर स्टूडेंट्स बोथ कंडीशन सिंगुलर एंड प्लूरल वी विल टेक द हेल्पिंग वर्ब हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस ईटीसी, ये अपना पैटर्न रहेगा। सब्जेक्ट हैड बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस फॉर और ईटीसी। फॉर एग्जांपल वह, आप इसे ब नहीं समझे, वह दो दिन से, वह दो दिन से काम कर रही थी। डियर स्टूडेंट्स, वह दो दिन से काम कर रही थी, हम जब इसकी हिंदी आइडेंटिफिकेशन पकड़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि से रही थी, से रहा था, से रहे थे आता है, तो ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो डियर उसमें सिंगुलर है, काम कर रही थी, इसका मतलब ये फीमेल है, तो हम लिखेंगे सी हैड बीन, सी हैड बीन। अब काम करना को वर्क, वर्क के साथ क्या लगाएंगी, आई एन जी, सी हैड बीन वर्किंग। अब समय को देखेंगे, दो दिन से जो है समय, वो अपना टाइम ऑफ पॉइंट नहीं है, फिक्स नहीं है, दो दिन कौन से हमें पता नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, फोर लगाएंगे, अनिश्चित समय का सूचक लगाएंगे, तो लगाएंगे सी हैड बीन वर्किंग फॉर टू डेज। सी हैड बीन वर्किंग फॉर टू डेज, वह दो दिन से काम कर रही थी। डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग बेटर फ्रॉम मी, एंड I will take your test in next term. So please keep watching my video regularly. Thank you very much. Attend my class. Thank you.